स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कंप्लीट डिटेल और करंट अपडेट के बारे में। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर लॉन्ग है और यह 6 लेन और 12 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे में कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसको कुल 4 फेज में बनाया जा रहा है। और करेंट अपडेट के बारे में बात करें तो फेज 1 को पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है और इसे दिसंबर 2024 में खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा बाकी 3 फेज को जून 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन इसके कुछ खंड को 12 लेन के हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और बाकी का 6 लेन सर्विस रोड के तौर पर विकसित किया जाएगा। अतः दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद यह हमारे देश का दूसरा सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इसके कुछ खंडों पर 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है। ठीक इसी प्रकार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इसके कुछ खंडों पर 12 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके साथ ही यह उत्तराखंड राज्य से गुजरने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिलों से गुजरते हुए उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 210 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के कारण दिल्ली और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड राज्य का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। इसी कारण इस परियोजना को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अतः यात्रा के दौरान लगने वाले समय में आश्चर्यजनक रूप से काफी कमी आएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना को हरिद्वार से जोड़ने के लिए एक स्पर का भी निर्माण किया जाएगा। हरिद्वार स्पर एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि सहारनपुर के नजदीक से शुरू होकर रुड़की होते हुए हरिद्वार के पास जाकर समाप्त होगी। हरिद्वार स्पर रूट की लंबाई लगभग 50.7 किलोमीटर होगी। लगभग 51 किलोमीटर लंबे स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2,095 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली से हरिद्वार के बीच की यात्रा को भी 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है। परियोजना के फेज 1 में दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तर प्रदेश के बागपत के नजदीक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक 32 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण किया जा रहा है। यह खंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत 12 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 6 लेन को एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है और बाकी के 6 लेन को सर्विस रोड के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस खंड को अक्षरधाम EPE एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। फेज 1 के निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस 32 किलोमीटर लंबे फेज 1 में लगभग 18 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा, जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला से होकर गुजरेगा। फेज 1 के निर्माण के कारण उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके पश्चात दिल्ली शहर के अंदर लगने वाले ट्रैफिक जैम में भी कमी आएगी। फेज 1 के पैकेज 1 का निर्माण गावर कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है और पैकेज 2 का निर्माण गायत्री प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज 2 उत्तर प्रदेश में बागपत के नजदीक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर सहारनपुर के पास जाकर समाप्त होगी और इस खंड की कुल लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा।
118 किलोमीटर लंबे फेज 2 के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। फेज 2 के अंतर्गत 7 इंटरचेंजेस और 60 अंडरपासेस का निर्माण किया जाना है और फेज 2 के अंतर्गत ही सहारनपुर बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के फेज 3 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गणेशपुर तक 40 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण किया जाएगा। यह पूरा खंड एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब वर्तमान के ही नेशनल हाईवे को अपग्रेड करके 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज 4 उत्तर प्रदेश के गणेशपुर से उत्तराखंड के देहरादून तक फैला होगा। इस खंड की कुल लंबाई 19.508 किलोमीटर होगा और इसका अधिकांश भाग जंगलों एवं पहाड़ों से होकर गुजरेगा। इसी कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 4 को सबसे कठिन खंड माना जा रहा है और इसके निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फेज 4 ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस खंड के अंदर लगभग 6 किलोमीटर लंबा भाग ब्राउनफील्ड होगा और बाकी का भाग ग्रीनफील्ड होगा और इसके ग्रीनफील्ड सेक्शन को एलिवेटेड रोड और टनल्स के रूप में बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 लेन 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जो कि एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा और इसका निर्माण वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु किया जाएगा। इसके साथ ही इस खंड पर 2.322 किलोमीटर लंबा ट्विन टनल्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर की वर्टिकल क्लियरेंस लगभग 6 मीटर होगी जिसके कारण कोई भी बड़ा जानवर जैसे कि हाथी भी इस एक्सप्रेसवे के नीचे से आसानी से पार कर सकता है। इस परियोजना के फेज 4 के निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।